भाभी जी क्या है? अब जब जब करवाती है ना बड़ा सुंदर लगती है। हरम खोर क्या करवाती है? अरे भाभी जी मेकअप। अच्छा भाभी जी एक बात बताइए, पूछिए। आप इतना करवाती हैं, हाँ? आपको दुखता नहीं है? जानते हैं, हाँ? मेरे को आदत से हो गई है। अब बिना मेकअप के कोई जिंदगी होता है? हाँ भाभी जी बात सही बोल रही है, आजकल बिना मेकअप के कोई जिंदगी है। मेकअप ऐसा हो गया है ना कि साला चुड़ैलो मार लेती है ना तो एकदम श्री देवी के बहिन लगती है ना। तो देवर जी, हाँ? आप मेरे को कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं भाभी जी, आप तो ऐसा ही सुंदर है। हाँ वो तो मैं हूँ। ज्यादा मास्का मत मारिए, मैं सब समझ रही हूँ। अरे भाभी जी जब आप सब समझ ही रही है तो एक बार मेरे तरफ भी ताक दीजिए ना। ताक दूँ? हाँ। ताक नहीं ना है। हाँ। तो लीजिए ताक देती हूँ। ऐसे नहीं ना, तो आप कैसे? रात में जो ऐसे वाला ताक के है ना वो इसे है। ताक नहीं ना था तो मैं ताक दी ना। अरे भाभी जी अगर आप ऐसे ताकोगी ना तो हम खड़ा हो जाएंगे। अरे खड़ा क्यों हो जाइएगा, बैठ जाइए, आए और सब बताइए। भाभी जी अब कहाँ हम बताएं? क्यों क्या हुआ बताइए ना। जानती है भाभी, दो पैसा कमाने के चक्कर में गाड़ घसीटते घसीटते साला छील गया है। गाड़ घसीटते घसीटते क्यों चलते हैं, खड़ा होकर चलिए। अरे भाभी जी आप भी ना गजब मजाक करती है ना। हैं? खैर छोड़िए, जाने दीजिए, भैंस चराने जाना है, अगर नहीं गए तो बाबूजी हमको चरा देंगे, घोड़ी बना देंगे। भाभी जी चलते हैं, फिर मिलेंगे। हाँ चलिए। बाबूजी तो आज इनका लेके गए।